मुझे मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है कि जब इसने जहूर बटाली ने मुझे घर पे बुला दिया और रशीद इंजीनियर ने, उन्होंने एक तो ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताई कि इन्होंने कोई नई पार्टी लॉन्च की है। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 करोड़ रुपए का एक पैकेज बताया कि हमने 3 करोड़ रुपए रखे हुए हैं शैला के लिए। मैंने कहा मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ, उसको आना है 7-8 दिन के बाद, मुझे उसके साथ पहले बात करने दो कि ये मामला है क्या, क्योंकि मेरी नॉलेज में तो ये था नहीं। तो 8 दिन के बाद जब वो आ गई, मैंने उसको नैरेट किया इस स्टोरी को कि ये लोग मुझे 3 करोड़ ऑफ़र भी दे रहे थे और साथ में बता दिया कि उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। तो उसने कहा जी ये सब कुछ हो गया है, अब आपको बातें करने से कोई मतलब नहीं है, तो कुछ दिनों में हम एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ, बेहतर यही रहेगा कि आप चुप करके बैठ जाएं। तो तब से मैं घर में ही ये सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ इसके साथ। जब भी ये मेरे सामने होती थी तो मैं इसको मतलब सीरियसली चैलेंज कर रहा था कि ये बातें मत करो, इस चंगुल से बाहर आ जाओ। तो अल्टीमेटली जब ये 2017 से 2020 तक बढ़ता गया ये सिलसिला, तो उसके बाद ये भी थोड़ा सीरियस हो गए इस इशू पे और इन्होंने मुझे थ्रेटन करना शुरू कर दिया। खैर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, घर में आराम से रहता था। ये देखिए इनका पैसा अभी तक आपकी जानकारी के लिए ये बात है कि जहूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त NIA की कस्टडी में है। जहाँ तक मेरी जानकारी है टेरर फंडिंग के मामले में वो आप बंद है, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे क्या रोशनी डालूँ इस पर आपको तो खुद ही अंदाज़ा लगाना है। और इसी कड़ी के सिलसिले में इन्होंने मुझे 3 करोड़ का एक ऑफ़र भी दे दिया था कि आप चाहो ले सकते हो शैला के लिए। मैंने कहा ये 7-8 दिन की बात है, उसको आने दो, मैं पहले बात करूँगा उससे उसके बाद। उसने कहा जी जो कुछ हो गया है बस अब आप चुप करके बैठो। तो हमने एक पार्टी लॉन्च की है, मैं पार्टी लॉन्च में भी पार्टिसिपेट किया मैंने ये देखने के लिए कि इसमें किस तरह के लोग आ गए हैं। तो मुझे पता चला कि जो कुछ इन्होंने मुझे नैरेट किया रशीद इंजीनियर ने और जहूर बटाली ने घर में, वो सब कुछ प्रैक्टिकली शेप ले रहा है। तो उसके बाद से आपको पता है नहीं, देखो ना एक गलत बात है, मैंने बार बार इसको टोका, मैंने एक बार इसको कहा यार तुम्हारी एक ही बस प्रॉब्लम है RSS BJP, कभी किसी और पार्टी के लिए भी बोला करो। तो इसने मेरे को साफ कह दिया देखो बात ऐसी है कि RSS और BJP एक्सट्रीम राइट है और हम एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं, तो हमें बीच वाली बात नहीं करनी है, ये हमारे बारे में कहते हैं और हमें इनके बारे में कहना है, तो आप अभी से जान लो कि मेरी आइडियोलॉजी है क्या। नहीं मैंने पहले बच्चे को समझाना था ना, घर में बच्चे को पहले समझाना था ना, वो ज़्यादा लाजमी था। मैंने बहुत बार इसको कहा, कारण उसकी ये है कि देखिए ना हमने मैं भी अब 65 ईयर्स का हूँ, हमने भी देखा किस तरह से कंज्यूम हो गया हमारा यूथ, किन बातों पे कंज्यूम हो गया, अब उसी का नया एक वर्जन शुरू होने जा रहा है। तो मैंने इसको भी समझा दिया। अच्छा एक ज़माना ये था कि जब ये इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की हवा उड़ गई, मैंने इसको कहा यार मेरे को बताओ सब कुछ, क्या तुमने नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसने ये बात मुझे कह दी कि ये कातलों की पार्टी है, कातलों की पार्टी से मतलब इन्होंने यूथ को यहाँ मारा है, बिल्कुल जांच हो जाए इस चीज़ की, पक्की जांच हो जाए कि ये क्या कहाँ से। देखिए सर लैविशली इतना पैसा खर्च कर रही है, कुछ NGOs चला रही है, कुछ बच्चों को इसने स्पॉन्सर किया है फॉर एजुकेशन, इनके एसेट्स हैं, करे ना वो उसकी जांच करे जो कंसर्न एजेंसीज है, अपने आप पता लग जाएगा कि सोर्स ऑफ मनी क्या है।